नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सेक्स साहूकारी से भी जुड़े हैं अपराधी। दुकान कब्जाने के लिए युवक को अगवा करके चाकू की नोक पर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपराधी सेक्स रैकेट से भी और अवैध साहूकारी से भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकरण की गहराई से जांच किए जाने पर आंबेकर प्रकरण की तर्ज पर बड़ा मामला सामने आ सकता है, लेकिन इस रैकेट से जुड़े लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को रफा दफा करने में जुट गए हैं। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने कुख्यात रोशन शेख को अदालत में पेश करके 16 मई तक हिरासत में ले लिया है। मुंडे के बंगले पर तैनात सिपाही को पीटा। लॉकडाउन के पालन करने को नसीहत दिए जाने से क्रुद्ध होकर असामाजिक तत्वों ने मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के बंगले पर तैनात सिपाही की धुनाई कर दी। यह वाकया शनिवार की रात MIDC के जैताला में हुआ। वारदात से कुछ समय के लिए परिसर में खलबली मच गई। युवक की बेरहमी से हत्या। सावने तहसील के वाघोड़ा गांव निवासी युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। रविवार की दोपहर उसका शव सावनेर खापा मार्ग स्थित रेलवे पुलिया के पास गन्ने के खेत में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कर ली गई है। फिलहाल हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।